ओके ठीक है। यस सर। तो हाँ जी आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई ये कंपनी होती क्या है, व्हाट इज कंपनी। तो देखिए कंपनी का जो डेफिनेशन है, आपने इसकी डेफिनेशन तो क्लास 11th में भी पढ़ा होगा है ना। कंपनी का मतलब होता है जहां पर लोग मिलके साथ साथ काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो। कंपनीज एक्ट का नाम क्या है, 2013। पहले इसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन 2013 में नया कंपनीज एक्ट बन गया है। ओके अब किसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उन कंपनियों के नाम क्या है, जैसे जियो भी, रिलायंस भी एक कंपनी है ना, टाटा भी एक कंपनी है, बिरला भी एक कंपनी है। ओके तो डेल, लिनोवो, ये सब क्या है, दीज आर द कंपनीज। तो हमें इंडियन कंपनीज के बारे में पढ़ना है, इसकी पूरी अकाउंटिंग करनी है। पहले मैं इसका पूरा सिस्टम समझा दूंगा, कंपनी कैसे काम करती है, क्या सिस्टम होता है, उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग प्रोसेस पर चलेंगे। क्लियर हो गया ना। तो पहले तो हम बात करते हैं कि भाई कंपनी बनती कैसे है। ओके तो कंपनी क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ कंपनी। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है जिसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है, टोटल 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और आपके पास है सिर्फ 10 लाख रुपए। ओके बाकी के 90 लाख रुपीज की आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, बाहर से इंतजाम करना पड़ेगा। अब ये 90 लाख रुपीज आप कहाँ से ले सकते हैं, तो आपने सबसे पहले उसको रजिस्टर्ड करवाया एज अ कंपनी। ओके एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवा लिया, तो आपके पास एक पहला ऑप्शन होता है ऑन फंड, खुद का पैसा लगाना। अब आप खुद का पैसा, तो आपके पास भाई 10 लाख रुपए ऑलरेडी था, तो ये 10 लाख रुपए आपका ऑन फंड हो गया। बाकी के जो 90 लाख रुपीज हैं उनके लिए आपको अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है, जो कंपनियां होती हैं वो करती हैं इशू ऑफ शेयर्स। कंपनियां क्या करती हैं, शेयर्स को इशू करती हैं, अपने कंपनी के कुछ शेयर्स। दूसरा ऑप्शन होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक और ऑप्शन होता है बैंक से लोन ले सकती हैं कंपनियां, ठीक है, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हमें बेसिकली दो ऑप्शन पढ़ना है जो आपकी क्लास 12th के सिलेबस में है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब हमें शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में सारी चीजें पढ़ना है। ओके अब आप कहेंगे सर ये शेयर्स क्या होते हैं, जरा ये तो समझा दीजिए। तो शेयर्स का एक्चुअल मतलब होता है हिस्सा, हिंदी में एक वर्ड है हिस्सेदारी, हिस्सा मतलब शेयर्स। आपका आप कहेंगे सर कैसे समझाइए, तो भाई जैसे हमारी कंपनी में मान लीजिए मुझे 90 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करने थे, तो अब इसको मान लीजिए कोई भी जो भी व्यक्ति खरीदेगा, कुछ लोग खरीदेंगे, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनी में, तो इसके लिए हमको सबसे पहले उस शेयर्स की फेस वैल्यू डिसाइड करना पड़ता है। हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो सब काम किसका है, शेयर मार्केट का। तो मान लीजिए हमारे शेयर की वैल्यू हो गई 90 लाख शेयर्स की वैल्यू हो गई 10 रुपए पर शेयर, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे हमारे पास 9 लाख। मतलब हमारे कंपनी के 9 लाख शेयर्स हैं जो 10 रुपए वाले हैं, जिनको हम मार्केट में इशू करेंगे तो हमें 90 लाख रुपीज मिलेगा। अब शेयर्स जब कंपनीज इशू करती हैं तो इशू करने के कुछ तरीके होते हैं, हमें यही पढ़ना है। तो जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो 3 तरीके हमारे पास होते हैं शेयर्स को इशू करने के। सबसे पहला तरीका होता है इशूड एट पार। अब आप कहेंगे सर ये एट पार क्या है, एट पार का मतलब है 100 रुपए वाले शेयर्स को 100 रुपए में ही इशू करना, मतलब जो उसका फेस वैल्यू है, जो प्राइस है। जैसे यहाँ इस केस में 10 रुपए प्राइस है, तो 10 रुपए में ही अगर हम शेयर्स बेचते हैं तो उसको एट पार कहते हैं। फिर एक दूसरा ऑप्शन आता है एट प्रीमियम। अब भाई प्रीमियम पर हम क्यों इशू करेंगे, मान लीजिए कंपनी की बड़ी रेपुटेशन है, कंपनी का बहुत जल्दी प्रॉफिट होने लगा, बहुत नाम हो गया, तो उस पर हम क्या 100 के शेयर्स को हम 110 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे या 115 रुपए में, मतलब उसके फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर बेचेंगे, तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कंपनी की पोजिशन खराब हो गई,
उसके शेयर्स कोई खरीद नहीं रहा है तो वो लोगों को लालच देता है 100 रुपए के शेयर्स को फेस वैल्यू से कम मतलब 90 या 89 रुपीज में बेचना स्टार्ट कर देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे एट डिस्काउंट। ठीक है, सुनिए, जो स्टूडेंट अभी थोड़ा देर से कनेक्ट हुए हैं उनको बता दूं मैं कि भाई मैं अभी एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। इसके पहले के जो भी वीडियोस हैं उसको एक हफ्ते के अंदर सारे वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो जो अभी कनेक्ट हुए हैं उनको बता दूं कि भाई मैं कंपनी अकाउंट पढ़ा रहा हूं शिवलाल की बुक से। ठीक है ना, अभी तक मैंने इतना ही पढ़ाया है कि कंपनियां जो शेयर्स इशू करती हैं तो वो इशूड एट पार कर सकती हैं, मतलब 100 रुपए के शेयर 100 रुपए में, एट प्रीमियम कर सकती हैं मतलब 100 के शेयर 110 में, एट डिस्काउंट कर सकती हैं मतलब 100 के शेयर्स को 90 रुपए में या उससे कम में। ओके, अब आगे बढ़े, चलिए, अब ये जो कंपनी जो शेयर्स इशू करती है ना तो वो पैसे कैसे मिलते हैं उनको, पेमेंट जो मिलता है उनको उसके भी तरीके होते हैं। तो पेमेंट रिसीव करने के बेसिकली आपकी बुक में दो तरीके हैं। पहला है लमसम, लमसम मतलब इकट्ठा पैसा मिलना, एक मुश्त हिंदी में बोलते हैं इसको, इकट्ठा पैसा मिलना। और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। अच्छा, एग्जाम में ये दोनों ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक चीज और क्लियर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इस कंपनी चैप्टर से एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे पे पूरा यकीन रखिएगा, 100% वही क्वेश्चन आएगा, पिछली बार विद द सेम अमाउंट आया था। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बुक में हो सकता है बहुत सारे फालतू के इधर उधर के क्वेश्चंस हो, तो आपको उन सब पे ध्यान नहीं देना है, मैं जो बताऊंगा अभी तो मैं सारे करवा दूंगा शिवलाल के, उसके बाद फिर मैं अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, उन्हीं में से पेपर में आएगा। ठीक है ना, चलिए, तो पेमेंट कंपनियों को कैसे मिलता है भाई, लमसम मतलब इकट्ठा पैसा मिल जाना, और इंस्टॉलमेंट में जब वो लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट में जब भी कंपनीज पेमेंट लेती हैं तो उसका फिर इन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट जनरली बना लेती हैं, वो 5 भी हो सकती हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट कंपनियां बनाती हैं। सबसे पहला होता है एप्लीकेशन। अब आप कहेंगे सर ये एप्लीकेशन क्या होता है, भाई आपको शेयर खरीदना है तो उसको एप्लीकेशन भर के फॉर्म भर के पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन। फिर एक होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या होता है, जब आप कंपनियां शेयर आपको अलॉट करती हैं, आपको शेयर देती हैं, उस टाइम पे कुछ पैसा मंगा लेती हैं आपसे। एक होगा फिर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मतलब कंपनी आपसे पहली बार फोन करके बोलेगी या आपको लेटर भेजेगी कि भाई आपका 3 महीने 6 महीने हो चुके हैं, इतना पैसा ड्यू है, दे दीजिए। एक होता है सेकंड, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये कॉपी में नोट करते जाइएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर हो गया, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। तो भाई कंपनियों अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम यूज करती हैं तो एप्लीकेशन पर पैसा मंगाती हैं, अलॉटमेंट पर मंगाती हैं, फर्स्ट कॉल पर मंगाती हैं और सेकंड कॉल पर मंगाती हैं। हमें क्लास 12th में पढ़ना क्या है, हमें क्लास 12th में ये पढ़ना है कि ये जो कंपनी शेयर इशू करती हैं उसकी जनरल एंट्रीज करना है। तो आइए अब हम फोकस करते हैं जनरल एंट्रीज पर। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स को जनरल एंट्री का कॉलम याद होगा, क्लास 11th आई होप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जनरल का पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम कौन सा होता है पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम होता है LF लेजर फोलियो, फिर एक कॉलम होता है डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का। ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो कंपनी चैप्टर की जो भी जनरल एंट्रीज होंगी वो इसी फॉर्मेट में हमको करना है, हमको मतलब आपको करना है, मैं तो करवाऊंगा ही जब ये पूरा पढ़ाऊंगा। तो चलिए पहले हम कुछ इसकी बेसिक जनरल एंट्रीज नोट करते हैं। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन, ये कॉपी में सबको नोट करना है भाई। एप्लीकेशन के टाइम पर क्या होता है, सबसे पहले वो बंदा जो शेयर खरीदेगा ना वो कुछ पैसा भेजेगा कंपनी के पास, तो पहली एंट्री हो जाएगी
बैंक अकाउंट डेबिट। सब लोग कॉपी में नोट करते जाइए। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन भी लिखना है, और नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये पहली जनरल एंट्री है जो सभी लोगों को करना है। फिर अब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अब इस एप्लीकेशन के पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो जो दूसरे नंबर की जनरल एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्लीज इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, और नरेशन मैं एक ही बार लिखूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को खुद से लिखना है। मैं नरेशन हर बार नहीं लिखूंगा क्योंकि वो फिर समय खराब होगा। तो इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ रही होंगी। ये बिल्कुल नई एंट्रीज हैं आप लोगों के लिए, तो आप तो अभी सीखते जाइए। मैं इनको 10 बार समझाऊंगा, डोंट वरी। सभी स्टूडेंट्स को ये एंट्री याद हो जाएगी, चाहे वो आप रटिए, चाहे जैसे भी हो, मैं समझाऊंगा वैसे, डोंट वरी। अब भाई एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट पर आते हैं। वेरी गुड हिमांशु, आपको याद है, दैट इज वंडरफुल। अब आइए जरा अलॉटमेंट पर आ जाए भाई। ओके, तो अलॉटमेंट पर आते हैं। ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का मतलब होता है कि शेयर्स देना। वो बोलेंगे आओ शेयर ले जाओ। तो सबसे पहले जो थर्ड एंट्री होगी हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नोट करिए जरा। चौथी एंट्री पर आते हैं। अब अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, आप शेयर के नाम भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो जो भी शेयर्स होंगे तो टू शेयर की जगह पे टू इक्विटी शेयर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हो गया बीइंग। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्लियर, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ में फर्स्ट कॉल को आएंगे, तो पहले फर्स्ट कॉल का पैसा भी ड्यू करते हैं भाई। तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, अमन वेरी गुड, आपको भी याद है। नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री पर आते हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू तो कर दिया, फर्स्ट कॉल की मनी को रिसीव भी करना है हमें।
तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ओके, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री पर। हाँ जी सूरज, वेरी गुड आफ्टरनून सूरज जी। मैं अभी कंपनी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और 8 जो बेसिक जनरल एंट्रीज होती हैं वही अभी समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको नोट करिए, मैं इसको एक बार फिर से समझाऊंगा, अभी चिंता की बात नहीं है। तो फर्स्ट कॉल हो गया, अब सेकेंड कॉल पर आते हैं। ओके, सेकेंड कॉल को भी पहले ड्यू करना है उसके बाद रिसीव कर लेना है। तो सेकेंड कॉल की एंट्री क्या होगी, सेवंथ हमारी जो एंट्री होती है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं उसको, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पहले पैसा ड्यू करेंगे तो टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग कॉल मनी ड्यू, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, वैसे आप लिख सकते हैं सेकेंड कॉल मनी ड्यू, पर कॉल मनी ड्यू भी चलेगा। एट्थ एंड लास्ट एंट्री, आखिरी एंट्री है भाई, पैसे को रिसीव कर लेना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, चलिए सभी लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, अगर जिन्होंने नहीं नोट करा है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं यहां से। पहले एप्लीकेशन का करिए 1 2 3 क्लिक, हो गया। फिर ये अलॉटमेंट की दो एंट्री क्लिक कर लीजिए, ओके। फिर ये फर्स्ट कॉल की दो एंट्री और आखिरी में सेकंड एंड फाइनल कॉल की दो एंट्री। अब सभी स्टूडेंट जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये एंट्रीज आप सीखेंगे कैसे, मतलब एग्जैक्टली आपसे बनेगी कैसे ये एंट्री, वो भी तो जरूरी है ना। तो अब मैं एक ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आठों एंट्री ना ऐसे अब हम समझते हैं भाई। सबसे पहली कहानी शुरू होती है एप्लीकेशन पर। अब एप्लीकेशन की जब भी कहानी शुरू होगी तो हमें दो एंट्री करना है। सबसे पहले एंट्री कौन सी करनी है, पहले हमें करना है एप्लीकेशन का रिसीव होने की। अब रिसीव मतलब आप कहेंगे सर ये रिसीव वाली एंट्री कैसी होती है, उसमें क्या खास बात है, तो भाई रिसीव वाली एंट्री में बैंक जो है वो डेबिट हो जाता है, ओके। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। समझ में आ गया सभी को, रिसीव वाली एंट्री में बैंक डेबिट होता है, पैसा मिल रहा है ना, इसलिए तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, बाद में ड्यू करेंगे। ड्यू वाली में ना शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो ड्यू कैसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, खत्म। समझ में आ गया। फिर आते हैं अलॉटमेंट पर। अब अलॉटमेंट की जो कहानी है यहाँ पे थोड़ा उल्टा होना है, अब हर जगह पे अब एप्लीकेशन का उल्टा, पहले पैसे को कर दो ड्यू, बाद में करो रिसीव। तो ड्यू वाली एंट्री कैसी होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव वाली एंट्री में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर। फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे आते हैं, फर्स्ट कॉल पे भी वही कहानी है, पहले ड्यू करना है उसके बाद रिसीव करना है। तो भाई जब ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिमिलरली इन द फाइनल कॉल ऑल्सो, यहाँ पे भी वही कहानी है, पहले ड्यू फिर रिसीव। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, जिन स्टूडेंट्स को ये एंट्री अभी भी समझ में नहीं आई है, आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। समझना ज्यादा जरूरी है, रटना नहीं है इसको। भाई फिर से समझिए, एप्लीकेशन की पहली वाली एंट्री रिसीव की होती है, फिर ड्यू की होती है, उसके बाद सारी एंट्री पहले ड्यू फिर रिसीव फिर ड्यू फिर रिसीव फिर ड्यू और फिर रिसीव। क्लियर हो गया? So now just you all can ask your doubt, otherwise we will move to the question. अब हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग डाउट पूछ लीजिए अगर कुछ डाउट है आपको। अभी किसी स्टूडेंट को इस एंट्री से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। आप सभी के पास पूरा एक मिनट का टाइम है। जो लोग थोड़ा लेट कनेक्ट हुए हैं, लक्ष्मी और सूरज और जूही, उनको मैं बता दूं कि अभी मैं कंपनी का जो चैप्टर आपका है, तो अभी हमने आठों एंट्री देख लिया है, अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या हो सकता है इसमें, मैं अभी बता रहा हूं आपको। ओके, ओके, तो अब आप लोग देखिए जरा स्क्रीन और सब लोग बुक निकालिए जरा, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पढ़िए सीधा, मुझे नहीं पता अभी क्वेश्चन नंबर वन क्या है आपकी बुक में, सो प्लीज आप सभी लोग बुक निकालिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करते जाएंगे, जो जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आते जाएंगे उनको हम देखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, न्यूमेरिकल फुल सब्सक्रिप्शन बीइंग रिसीव्ड कॉल्स इन, और अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसमें, बहुत मजा आएगा। और सभी को पूरी एंट्रीज लर्न करना है, कल आप सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क यही है कि भाई ये पूरी एंट्रीज लर्न करके रखिएगा, मैं कल सबसे पूछूंगा एंट्री ये, ठीक है ना? और ये चैप्टर बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। पहले क्वेश्चन पर आइए, आराम से पढ़िए, सॉरी फॉर दैट। तो आइए जरा पढ़ते हैं। एक चीज और है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी समरी बनाना सिखाता हूं मैं आप लोगों को, तो भाई ये क्वेश्चन पढ़ तो लेंगे पर इनकी समरी बना के इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन मेरे साथ साथ रीड करना है। अनीश लिमिटेड ने इशू करे हैं, 10 मिनट का समय बचा है तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सभी लोग ध्यान से पढ़िए। अनीश लिमिटेड ने 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपए वाले, पेबल एट ₹30 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जरा समरी लिख दूं मैं शॉर्ट में। अनीश लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने शेयर्स, 30,000। समरी बनाने का फायदा ये है कि आप इसकी आदत डाल दीजिए, जिससे आपको एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस ये समरी देख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सब लोग ध्यान से समरी बनाइए, पेबल एज। अब मुझे बताइए एप्लीकेशन पर कितने रुपए, ₹30। अलॉटमेंट पर ₹50, और ₹20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओह दैट्स गुड, तो यहां पर सेकेंड कॉल नहीं किया इन्होंने, फर्स्ट ही फाइनल कर दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने रुपए हैं, ₹20। ओके, मुझे एक बात बताइए सभी लोग, इस क्वेश्चन में कितनी जनरल एंट्रीज होंगी? हाँ जी, समरी एग्जाम में बिल्कुल लिखिएगा, दैट वुड मोर हेल्पफुल।
जगजीत जी, मैं इम्पोर्टेंट थ्योरी भी करवाऊंगा। जगजीत, इम्पोर्टेंट थ्योरी करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। आइए मुझे एक बात बताइए, कितनी जनरल एंट्री होंगी? 6 होगी सर। 6 जनरल एंट्री, वेरी गुड। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी भाई? पहली एंट्री, सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी? अब कौन सा शेयर है? इक्विटी है, तो भाई ये नाम लिख दीजिएगा। तो एंट्री करिए इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सब लोग साथ साथ लिखते जाइए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बताइए अमाउंट कितना है इसका? 30,000 शेयर्स हैं, जिसपे की 30 रुपीज मिलना है एप्लीकेशन पर। तो 30,000 × 30 कितना होता है? 9 लाख रुपीज। सर बैंक नहीं आएगा इसमें? अरे हाँ, वेरी गुड, बैंक आएगा। वेरी गुड, आप लोग सब सही हैं। मैं तो जानबूझ के गलत कर रहा था, मैंने कहा किसको पहली वाली एंट्री याद है। सभी स्टूडेंट सही हैं। पहली वाली एंट्री क्या होती भाई? रिसीव करने की होगी ना। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 9 लाख रुपीज। अब पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, इसका नरेशन नहीं लिखूंगा, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। दूसरी एंट्री बताइए जरा मुझे, एप्लीकेशन मनी मिल गई है, अब इसको क्या करेंगे? इसको जो पैसा मिला है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताइए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम आएगा क्योंकि वही पैसा जो मिला है वही तो ट्रांसफर करेंगे, 9 लाख रुपीज। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पर आते हैं, अलॉटमेंट पर 50 रुपए मिले हैं, 30,000 × 50 कितना होता है? 15 लाख रुपए होगा। आइए जरा एंट्री कर लेते हैं भाई। तो अलॉटमेंट को पहले हम क्या करते हैं मालूम है? अलॉटमेंट को स्टार्टिंग से ही ड्यू करते हैं, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कौन सा है? इक्विटी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 15 लाख। ये 15 लाख समझ में आ गया? मुझे तो नहीं आया था 12वीं क्लास में, सही बता रहा हूं मैं। मेरे अकाउंट्स में 86 नंबर हैं, अगर मुझे कंपनी पढ़ के जाता तो 100 में 100 नंबर आते मेरे। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं कंपनी चैप्टर पढ़ा ही नहीं था 12वीं क्लास में, और मैंने 80 नंबर का कोर्स पढ़ के गया था, 6 नंबर की थ्योरी लिखा था कंपनी चैप्टर की, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, और पूरे 86 में 86 नंबर मिले थे, पूरे नंबर मिलते हैं एमपी बोर्ड में, ठीक है। चलिए अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बताइए। नरेशन क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब इसको रिसीव कर लेते हैं भाई। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सभी को समझ में आ रहा है? 15 लाख। हो गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पांचवी एंट्री पर आए, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपए का है,
तो 30,000 शेयर्स पर 20 रुपए से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 6 लाख रुपीज आएगा। ठीक है, तो एंट्री करिए जरा। एंट्री क्या होगी, इक्विटी पहले ड्यू करिए, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्स लैक्स आखिरी वाली एंट्री बताइए जरा। नरेशन लिखना कंपलसरी है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सिक्स्थ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए, 6 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कॉल मनी रिसीव। दैट्स इट। एक बार शुरू से देख लीजिए जरा। पहले हमने एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कर दी। सबसे पहली वाली एंट्री क्या करी थी हमने, रिसीव की, उसके बाद ड्यू करने की, मतलब ट्रांसफर करने की। फिर अलॉटमेंट को पहले ड्यू कर दिया, उसके बाद रिसीव कर दिया, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया, फिर रिसीव कर दिया। ओके, तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को